भारतीय जनता पार्टी ने कल राज्यपाल से जाकर कहा है, राज्यपाल महोदय से, कि हम सरकार नहीं बना सकते, हमें मैंडेट नहीं है और शिवसेना हमारे साथ आने को तैयार नहीं, इसलिए हम बहुमत नहीं जुटा पा रहे, इसलिए हम अपोजिशन में बैठेंगे। ये उनका अहंकार है महाराष्ट्र की जनता के प्रति, उनका एक तरह से अपमान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, सत्ता नहीं बनाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में अपोजिशन में बैठने को तैयार है। लेकिन जो बात तय हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था 50-50 फॉर्मूला वाला, अढ़ाई अढ़ाई साल के मुख्यमंत्री पद बांटने के लिए, वो देने को तैयार नहीं। आप उससे समझ सकते हैं किसके दिमाग में क्या था पहले भी और आज भी। अगर दोनों ने जो एग्रीमेंट किया था, जो बात तय हुई थी, उसके ऊपर अमल करता तो महाराष्ट्र में आज की जो स्थिति है वो निर्माण नहीं होती। लेकिन किसी भी हालत में शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं देंगे। कि हमारे केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत उद्धव ठाकरे साहब के आदेश से, जो उनको रात को आदेश दिया है, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। जिस प्रकार का वातावरण महाराष्ट्र में निर्माण हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तो अगर इस प्रकार के रिश्ते बने हैं तो सत्ता में रहने का कोई मतलब नहीं होता। अगर महाराष्ट्र में आप शिवसेना के साथ सत्ता बनाने को तैयार नहीं है, जो बातें तय हुई थी, आप विपक्ष में बैठना चाहते हैं लेकिन शिवसेना के साथ बात करने को तैयार नहीं, जो एग्रीमेंट हुई थी उस बारे में चर्चा करने को तैयार नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी और महबूबा मुफ्ती की विचारधारा मिलती जुलती थी? हाँ, वो क्या लव जिहाद था क्या? हाँ, महबूबा मुफ्ती और मिस्टर हमारे बीजेपी के जो मित्र है, उनका वहां जो चल रहा था, क्या हम उसे लव जिहाद कहेंगे? ये बोलो, ये बात छोड़ दीजिए। यहाँ की जो पार्टियां है इस राज्य की, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे और कोई पार्टी, ये कोई राष्ट्रद्रोही पार्टियां नहीं है, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से बनी हुई पार्टी नहीं है, इस मिट्टी की पार्टी है। सभी पार्टियों का और सभी नेताओं का राज्य का और देश की में निर्माण में योगदान रहा है। कुछ मुद्दे पर मतभेद हो सकते हैं, इस प्रकार के हमारे मतभेद तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं। राहुल सर मुख्यमंत्री पदाचा भी ले रहे अब तक, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे खुद को महाराष्ट्र के और देश के हितकारी समझने वाले बहुत से ऐसी पार्टियां कल तक ये बातें कर रही थी कि किसी भी हालत में महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री हम नहीं होने देंगे। देश की भी बात कर रहे थे। आज उनका कसौटी का एक घड़ी आई है। अब आपको बताना पड़ेगा हम क्या बोल रहे थे और हम क्या करना चाहते हैं। जो आप बोल रहे थे वो करके दिखाने का समय आज आया है। शिवसेना आगे निकल चुकी है और मुझे विश्वास है हम सब एक साथ आकर राज्य को स्थिर सरकार देने जा रहे हैं। शरद पवार साहब या यहाँ के कांग्रेस के नेता, ये सभी की एक भूमिका है कि महाराष्ट्र में हम सब मिलकर एक सरकार बनाए, ये सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चले, किसान, बेरोजगार, महंगाई, शिक्षा, आरोग्य और राज्य का विकास, इस नीति पर अगर कोई सरकार बनती है तो उनका समर्थन देने के लिए सब लोग तैयार है। लेकिन सभी नेताओं ने अब अपने अपने गिले शिकवे दूर रखकर अपने अपने बोल रहा, हमारे से नहीं, एक साथ आकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की जरूरत है और इस दिशा में काम चल रहा है।